तो प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर फ्रिज या फिर एसी, ये एसी जो ठंडा करता है रूम को, इनके अंदर क्या लगा होता है? कंप्रेसर। तो क्या कंप्रेसर का कंप्रेसर कैसे काम करता है इसको देखते हैं, और क्या प्रिंसिपल है इसको देखते हैं। देखो, तो प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर में सोर्स का टेम्परेचर, इसमें भी T1, सिंक का टेम्परेचर लो, इसका T2। ये इंजन नहीं है जो वर्क डन करता है। इंजन क्या करता था, Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेता था, Q2 बची हुई हीट फेंकता था, और वर्क डन करता था Q1 माइनस Q2। कंप्रेसर फ्रिज का कोई काम थोड़ा करता है, उल्टा हमसे बिजली लेता है, इलेक्ट्रिसिटी लेता है, और काम हमसे करवाता है। कैसे? आप कोई भी चीज को ठंडा करना चाहते हैं तो आप कहाँ रखते हैं? आप फ्रिज के अंदर रख देते हैं। अब एक चीज देखें, बाहर का टेम्परेचर गर्मियों में मान लो 45 डिग्री सेल्सियस है, रूम का मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, और आप सामान को कहाँ रखते हैं? 15 डिग्री सेल्सियस फ्रिज के अंदर। और आप मान लो पानी की बर्फ जमाना चाहते हैं, तो आप सबसे लो टेम्परेचर फ्रिज के अंदर रखते हैं, उसमें से हीट निकालते हैं और रूम में फेंकते हैं। एसी या फ्रिज के पीछे गर्मी बहुत होती है क्योंकि गर्म हवा बाहर निकल रही होती है। तो होता क्या है, फ्रिज के अंदर को क्या बोलते हैं? सिंक। तो हम ठंडा पानी सिंक में रखते हैं, या कोई भी पानी, नॉर्मल पानी सिंक में रखते हैं, और उसमें से हीट निकाली जाती है, उसमें से हीट निकाल ली जाती है Q2, बना लें Q2। और ये काम नेचुरल हो नहीं सकता क्योंकि लॉ ये कहता है कि हीट गर्म से ठंडे में तो जा सकती है, पर ठंडे से गर्म नहीं जा सकती। तो ऐसा करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो कंप्रेसर वर्क डन करता है, हमसे बिजली की फॉर्म में सप्लाई लेता है और वर्क डन करता है। क्या वर्क डन करता है? Q1 माइनस Q2। Q2 हीट निकाल देता है और बाहर क्या फेंकता है? Q1। बाहर का मतलब फ्रिज के पीछे की जगह, जो हमारा रूम है। रूम यहाँ पर गर्म टेम्परेचर है, सोर्स है, और सिंक अंदर का टेम्परेचर। तो सिंक में से हीट निकली Q2 और बाहर फेंकी Q1। अब कमाल की चीज ये देखो, सिंक में से हीट निकली मान लो 2 जूल, बाहर फेंकी 5 जूल। ऐसा कैसे? क्योंकि कंप्रेसर की जो बिजली है वो भी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, तो हीट निकलती कम है लेकिन फ्रिज के पीछे ऐसी गर्म हवा ज्यादा फेंकी जाती है, गर्मी ज्यादा बाहर फेंकता है। तो Q2 अमाउंट ऑफ हीट लेता है और Q1 को बाहर फेंकता है। मतलब आपने एक चीज नोट की, ये ना उल्टा इंजन नहीं है। इंजन क्या करता था, Q1 हीट लेता था, Q2 फेंकता है और वर्क डन करता है। ये हमसे वर्क डन करवाता है, Q2 हीट लेता है और Q1 उठा के बाहर फेंक देता है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है डायग्राम? ठीक। इंजन को कंपेयर करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ज्यादा है तो हम बोलते हैं कि इंजन बढ़िया इंजन है। यहां पर एफिशिएंसी नहीं, यहां पर क्या यूज करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा है तो यानी कि बढ़िया रेफ्रिजरेटर है। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस? Q2 हीट जो बाहर ज्यादा निकाल ले, ठंडे पानी में से जो पानी आपने फ्रिज के अंदर रखा उसमें से जितनी हीट बाहर निकालेगा Q2, उतना ही बढ़िया रेफ्रिजरेटर है। और वर्क डन इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हमसे कम ले, उतना बढ़िया रेफ्रिजरेटर है। तो यानी कि इसका कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने का तरीका क्या है? Q2 हीट जो निकाल रहे और W इनपुट जो हमसे ले रहे, ये रेशियो को लिखें, फॉर्मूला लिखें कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस का, जो कि Q2 डिवाइडेड बाय W है, Q2 बाय W। ठीक। तो कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस Q2 डिवाइडेड बाय W। लेकिन हमें पता है कि W का मतलब क्या होता है, Q1 माइनस Q2। तो सेकेंड फॉर्मूला लिखे कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस का, Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। तो सेकेंड फॉर्मूला Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। नेक्स्ट है, हमने कारनोट में किया था कि एफिशिएंसी का पहला फॉर्मूला था 1 माइनस Q1 बाय Q2, दूसरा फॉर्मूला था 1 माइनस T1 बाय T2। इन्हें इक्वेट करके Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। तो यहां से
न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को क्यू टू से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा वन, ये बनेगा क्यू वन बाई क्यू टू, ये बनेगा वन, तो क्यू वन बाई क्यू टू की जगह क्या लिख सकते हैं, टी वन बाई टी टू, सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आएगा। तो एफिशिएंसी का ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का तीसरा फॉर्मूला टी टू बाई टी वन माइनस टी टू, ये नोट कर लो। तो पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला, तीनों नोट करो।